हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिए, ये जो इकोसिस्टम टर्म थी वो दी थी सर एजी टेंसले ने, यानी कि ऑर्थर टेंसले भी बोल देते हैं, इन 1935। कब दी थी ये? 1935 में। इसकी एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है मैंने। एन इकोसिस्टम इज़ द बेसिक फंक्शनल इकोलॉजिकल यूनिट इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग देमसेल्फ विद दायर सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम जो है वो एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में और इन्वायरमेंट के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इकोसिस्टम, मतलब जिसमें ऑर्गेनिज्म हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं और इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स फूड बनाते हैं, उस फूड को फिर हम मतलब जो हर्बीवोरस हैं वो लेते हैं और हम भी ह्यूमंस भी लेते हैं, फिर वो अदर चेन में चला जाता है, अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है फूड, जो मीट वगैरह खाते हैं वो। और या फिर दूसरी हम बात करें तो जैसे प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को देते हैं और हम उनकी ऑक्सीजन को फिर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स फिर से ले लेते हैं और ऑक्सीजन को दे देते हैं। यही प्रोसेस चलता रहता है, और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर के थ्रू पास होती है। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें सॉइल वगैरह भी इन्वॉल्व होती है, वाटर इन्वॉल्व हो सकता है। तो इकोसिस्टम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्शन करता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गया, आपको समझ आ गया होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। एक आता है इसमें ग्लोबल इकोसिस्टम। इसमें हमारा यदि पूरा अर्थ का है, या फिर बोले तो एंटायर बायोस्फेयर, पूरा जो बायोस्फेयर है, पूरा के पूरा जो इकोसिस्टम है, मतलब बहुत सारा इकोसिस्टम, सारे के सारे इकोसिस्टम को एक साथ इंक्लूड कर दें तो हम उस इकोसिस्टम को बोलेंगे ग्लोबल इकोसिस्टम, या फिर शॉर्टली बोल सकते हैं एंटायर बायोस्फेयर को हम क्या टर्म दे रहे हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम है वो हमारा स्मॉल भी हो सकता है या फिर लार्ज लेवल पर भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल से लेकर लार्ज तक वो वेरी करता है। स्मॉल में जैसे कि हमारा पॉन्ड वगैरह जाते हैं, और लार्ज में हमारा फॉरेस्ट आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो ये हमारे बड़े लेवल पर हो गए। ठीक है, करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्लासिफाई कैसे किया गया है, या फिर बोलें तो ये किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, कंपोनेंट क्या है, तो ये एक मैं टेबल दिखा रही हूँ आपको, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ ये टेबल दे रखी है। इकोसिस्टम जो है हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉरी वो कंपोनेंट हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब उसकी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं कि उसको क्लासिफाई कैसे किया गया है। नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये दो टाइप का हो सकता है। नेचुरल में हमारा टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम आ जाएगा। नेचुरल यानी कि जो नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है, वो मैनमेड नहीं है, और आर्टिफिशियल जो मैन ने बनाया हुआ है। टेरेस्ट्रियल में हमारा तीन टाइप का हो सकता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम आ जाएगा। फ्रेश वाटर यानी कि जहाँ पर वाटर फ्रेश है उसके लिए, और ये हमारा सॉल्ट वाटर यानी कि जो हमारा सॉल्टी वाटर है उसका इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में पॉन्ड हो जाएंगे, लेक है, स्ट्रीम है, ये सब हो जाएंगे।
सॉल्ट वाटर में हमारा वेटलैंड है, इस्चरीज है, मैराइन है, ये सब हो जाएंगे। इस्चरीज होती हैं रिवर का जो माउथ होता है ना, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम होगा उसके लिए बोला गया है। वेटलैंड होता है, वेटलैंड भी सॉल्ट वाटर वाला इकोसिस्टम ही होता है। ये ऑर्गेनिज्म वगैरह मर करके डेड हो करके बना लेते हैं, और वो वेट ही होता है, मतलब गीला पानी वाला ही होता है वो। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को हम बोले, इसमें हमारा मैन मेड इकोसिस्टम होगा, इसमें हमारा क्रॉप फील्ड हो सकता है या फिर एक्वेरियम हो सकता है जिसमें फिशेज वगैरह होती है ना, तो वो भी मैन मेड ही है, तो वो हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात अब पढ़ते हैं हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये हमारा यानी कि इसके कंपोनेंट क्या क्या है। कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो ये दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा बायोटिक और एक होता है हमारा एबायोटिक। बायोटिक में हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे और एबायोटिक में हमारा नॉन लिविंग जो है वो आ जाएगा। नॉन लिविंग जैसे कि हमारा सॉइल है, टेम्परेचर है और वाटर है, एयर है, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक और टेबल दे रखी है, उससे मैं बता देती हूँ। देखिए, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये हमारा दो टाइप कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे और इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। बायोटिक कंपोनेंट भी हमारे प्रोड्यूसर हो जाएंगे, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर, ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। प्रोड्यूसर यानी कि जो फूड को बना रहे हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस या फिर कैमोसिंथेसिस कर रहे हैं, फूड को बना रहे हैं। और हमारा कंज्यूमर में जो उस फूड को कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे कंज्यूमर हो जाएंगे। और डिकम्पोजर जो कंज्यूमर पर या फिर प्रोड्यूसर पर फीड करेंगे, उनको सड़ाने गलाने का काम करेंगे, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर में हमारा, इनको ऑटोट्रॉप्स भी बोल देते हैं, तो ये हमारा दो टाइप का हो जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉप एंड कैमियो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप जो हमारा सनलाइट से, फोटो मीन्स सनलाइट, तो जो लाइट मतलब कि जो लाइट से अपना फूड बना रहे हैं वो हो जाएंगे फोटो ऑटोट्रॉप, और जो केमिकल प्रोसेस से फूड बना रहे हैं वो हो जाएंगे हमारे कैमो ऑटोट्रॉप। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो हमारे फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं, और जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो कैमोसिंथेसिस करते हैं, कैमो ऑटोट्रॉप होते हैं। कंज्यूमर में हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर हो जाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो डायरेक्ट फीड कर रहे हैं प्रोड्यूसर पर, यानी कि हर्बीवोरस हैं, गॉट वगैरह हो जाएंगे। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो इन पर भी फीड कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर पर फीड कर रहे हैं, यानी कि जो कार्निवोरस हैं। फिर जो इन पर भी करेंगे वो टर्शरी कंज्यूमर, जो टर्शरी पर कर रहे हैं वो क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिकम्पोजर है, तो डिकम्पोजर में हमारा जो इसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं जो डिकम्पोज करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में हमारा एयर, वाटर, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, सॉइल, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की। तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में पहला आता है हमारा प्रोडक्टिविटी, सेकंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड है एनर्जी फ्लो एंड फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल या फिर साइक्लिंग बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्टिविटी
एक दिए गए टाइम पीरियड में पर यूनिट एरिया में कितनी अमाउंट ऑफ बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो रेट होगा वो हो जाएगा हमारा प्रोडक्टिविटी, यानी कि द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इन अ गिवन पीरियड, टाइम पीरियड, वो जाएगा हमारा प्रोडक्टिविटी। डिकम्पोजिशन करना, क्योंकि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं और जो प्लांट वगैरह हैं वो भी, जैसे लीव हैं वो गिर गई नीचे सूख करके, टहनी गिर गई या फिर कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, तो उनको डिकम्पोजिशन, उनका डिकम्पोज करना, ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो। एनर्जी का फ्लो होता है 10% फ्लो होती है, ये भी हमें पता है 10% लो के द्वारा, कि जो प्लांट्स हैं उनको वो फूड बनाएंगे, फूड देंगे हमारा प्राइमरी कंज्यूमर को, उनको जो फूड मिलेगा वो 10% मिलता है, फिर आगे फिर से 10% जाता है, फिर आगे 10% जाता है, तो इस टाइप से एनर्जी फ्लो भी होती है थ्रू द इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग होती है, अभी स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था O2 और कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है साइकिल कैसे कैसे घूमता है, और ऐसी बहुत सारे साइकिल होते हैं। फॉस्फोरस साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, सल्फर साइकिल है, तो ये सब हमारे इसके साइकिल होते हैं। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर और हमारा फॉस्फोरस, अदर भी होते हैं, तो इन सब के साइकिलिंग करना पूरे, मतलब एक कंपाउंड से दूसरे में करना और फिर दूसरे में और फिर से वही फॉर्म आ जाना, तो पूरी साइकिल इन्वॉल्व होती है, तो न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग करना भी इकोसिस्टम का फंक्शन होता है। ठीक है, ये रहा हमारा इकोसिस्टम का पूरा पूरा डिस्कशन था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आएंगे कोई नया टॉपिक को लेकर के, तब के लिए बाय, थैंक यू।